हाय फ्रेंड, आज आपका हमारे इस नए वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। आज हम आपको इस नए वीडियो में इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे। आप देख सकते हैं हमारे पास मारुति कंपनी की एस क्रॉस गाड़ी आई है, तो इसका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम है फ्रेंड। तो सबसे पहले तो हम इसको चेक करेंगे चालू करके, इसका ऑयल लीकेज कहाँ से है और उस फोल्ड को हम क्लियर करेंगे। तो हम इसका राइट साइड का टायर खोलेंगे, टायर खोल के और ऊपर लेकर और उसके बाद हम देखेंगे चालू करके। तो फाइनली फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारे पास मारुति कंपनी की एस क्रॉस है। इस गाड़ी में कस्टमर का कंप्लेन है फ्रेंड, ऑयल लीकेज का। ये देख सकते हैं, ये पूरा गीला हुआ है चारों साइड से। देख सकते हैं नीचे भी पूरा भीजा हुआ है। तो हम इसका बेल्ट उतार कर क्रैंक का पुल्ली ओपन करके फाउंडेशन ओपन करके चेक करेंगे कि फिलहाल कहाँ से लीक हो रहा है और उस फोल्ड को क्लियर करके सॉल्व करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे तो पूरा चैम्बर भीगा हुआ है। तो फाइनली फ्रेंड, ये फाउंडेशन हम ओपन करेंगे, इंजन माउंटिंग है, इंजन माउंटिंग को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे और उसका क्रैंक का पुली ओपन करके फिर क्लियर चेक करेंगे कि हमारा ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम कहाँ से है और कहाँ से ऑयल आ रहा है। ये सारी चीज़ें हम आपको ओपन करके दिखाएंगे। सर ये इसका बोल्ट पाना लीजिए 14 का। ये आप लोग देख सकते हैं, इसका हमने इंजन माउंटिंग बाहर निकाल दिया। इंजन माउंटिंग बाहर निकालने के बाद देख सकते हैं ये पूरा टाइमिंग कवर इसका गीला हुआ है। ये देख सकते हैं टाइमिंग कवर में जो प्लेट आता है चार बोर्ड का एलंकी से, ये यहाँ से पूरा लीक हो रहा है। तो हम इसका ये पैकिंग भी रिप्लेस करेंगे और टाइमिंग कवर का भी पैकिंग रिप्लेस कर देंगे। तो इसका हम टाइमिंग कवर ओपन करेंगे फ्रेंड, टाइमिंग कवर ओपन करके आपको दिखाते हैं। इसका टाइमिंग कवर का पैकिंग चेंज कर देंगे और इसका चैम्बर भी ओपन करेंगे कि चैम्बर से भी लीक है। तो इसका चैम्बर का पैकिंग और टाइमिंग कवर का पैकिंग दोनों का हम पैकिंग चेंज करेंगे। चैम्बर में फिलहाल फ्रेंड पैकिंग नहीं आता है, तो हम सीलेंट भरेंगे उसमें। आपको हम चैम्बर ओपन करके टाइमिंग कवर ओपन करके दिखाते हैं, इसका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व करके देंगे। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं नीचे से पूरा चैम्बर उम्बर इसका टाइमिंग कवर और सब भीजा हुआ है। तो इसका हम क्रैंक का पुल्ली भी ओपन करेंगे, ओपन करके आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं फ्रेंड, देख सकते हैं पूरा ये ऑयल से भीजा हुआ है। देखिए तो हम इसका टाइमिंग कवर भी ओपन करने वाले हैं, इसका टाइमिंग कवर भी ओपन करेंगे और टाइमिंग कवर ओपन करके फिर इसको पूरा गाड़ी डीजल से वॉश करके टाइमिंग कवर को चैम्बर भी ओपन करने वाले हैं। देख सकते हैं चैम्बर में भी गिल्ला है। तो इसका टाइमिंग कवर का हम पैकिंग चेक करें चेंज करेंगे
और चेंबर ओपन करके फिर इसको साफ़ करके डीजल से पूरा वॉश करके फिर सीलेंट लगा के चेंबर और टाइमिंग कवर दोनों फिट करेंगे। इसका एक बार ये जो क्रैंक का पुल्ली है इसे भी बाहर निकाल कर इसका ऑयल सील भी चेक करेंगे। अभी हम टाइमिंग कवर ओपन कर रहे हैं तो ऑयल सील भी रिप्लेस कर देंगे कि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, तो इसके लिए इसका हम क्रैंक का ऑयल सील भी रिप्लेस करेंगे। आप देख सकते हैं ये टाइमिंग कवर के सारे बोल्ट हमने ओपन कर दिए हैं दोनों साइड से, आप देख सकते हैं। अब इसका हम ऑयल सम ओपन करेंगे, क्योंकि फ्रेंड क्या है आपको हम इसमें बताते हैं, आपको अगर टाइमिंग कवर ओपन करना है तो उससे पहले आपको ऑयल सम इसका ओपन करना पड़ेगा। चेंबर आप जब ओपन करेंगे तो वही आपका टाइमिंग कवर बाहर निकलेगा, क्योंकि इसका जो ऑयल पम्प आता है टाइमिंग कवर में, उसके ऑयल पम्प में एक स्टेनर फिट होता है जो चेंबर में जाता है, जो आपका ऑयल खींच कर ऊपर पास करता है। तो अगर आप इस ऑयल सम नहीं निकालेंगे और टाइमिंग कवर पहले निकालेंगे तो आपका टाइमिंग कवर बाहर नहीं आएगा, तो इसके लिए टाइमिंग कवर ओपन करने के लिए आपको पहले ऑयल सम ओपन करना पड़ेगा। तो हमने टाइमिंग कवर के सारे बोल्ट ओपन कर दिए हैं, ऑयल सम के भी ये दो नट ओपन कर दिए, और इसी प्रकार हम बाकी सारे ऑयल सम के नट ओपन करेंगे, ओपन करके फिर चेंबर पहले बाहर निकाल कर फिर टाइमिंग कवर ओपन करके आपको दिखाएंगे। तो फाइनली आप देख सकते हैं हम इसका ऑयल सम ओपन कर रहे हैं, इसका ऑयल सम है। देख सकते फ्रेंड ये इसका चेंबर है ऑयल सम जिसे हमने ओपन किया है। अब इसका हम टाइमिंग कवर ओपन करेंगे, क्योंकि ऑयल सम ओपन करने के बाद इसका आप टाइमिंग कवर ओपन कर सकते हैं। तो एक क्रैंक का हमने बोल्ट भी ओपन कर दिया है, देख सकते हैं। फ्रेंड और एक पॉइंट वाली बात है जो हम आपको बताते हैं, इसका क्रैंक का जो बोल्ट है वो आप टाइट करेंगे तो लूज होएगा और लूज करेंगे तो टाइट होएगा, उसका इसका उल्टा थ्रेड आता है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका जो क्रैंक का बोल्ट आता है उसका उल्टा थ्रेड आता है, आप टाइट करेंगे तो आपका क्रैंक का बोल्ट लूज होएगा और लूज करेंगे तो टाइट होएगा, ये बात को केयर कीजिएगा। देखिए अभी हम टाइट कर रहे हैं, देखिए ये हमारा बोल्ट बाहर आ रहा है, देखिए बाहर आ गया। हम टाइमिंग कवर बाहर निकालेंगे, देख सकते हैं। इसका टाइमिंग फ्रेंड ये इसका ऑयल स्टेनर है, ये टाइमिंग कवर में फिट रहता है, इसको खाली ओपन करने के लिए हमें वो ऑयल सम ओपन करना पड़ता है। इसलिए सबसे पहले हमें चेंबर ओपन करना पड़ता है, इसके बाद ही आपका टाइमिंग कवर बाहर आएगा। ये आपको रोकेगा, अड़चन देगा, टाइमिंग कवर बाहर नहीं आने देगा अगर आप ऑयल सम नहीं खोलेंगे तो, ठीक है फ्रेंड। ये इसका टाइमिंग है, ये देखिए टाइमिंग फैन है, इसका हमने टाइमिंग कवर ओपन कर दिया है। तो इसका हम टाइमिंग कवर का पैकिंग और क्रैंक का ऑयल सील और एक गैस पाइप, वो हम तीन चार आइटम रिप्लेस करने वाले हैं। ये देख सकते हैं इसका जूना टाइमिंग का पैकिंग है, तो हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। फ्रेंड देख सकते हैं इसका नया टाइमिंग और पैकिंग है, ये इसका क्रैंक का नया ऑयल सील है, इस हमने अरेंज किया है, ये इसका गैस पाइप है,
देख सकते हैं इधर से फट चुका था, देख रहे हैं आप, ये फट गया था, इसके लिए हम रिप्लेस कर रहे हैं। हार्ड भी हो चुका, दबता नहीं है, देखिए कितना नरम है। और फ्रेंड इसका ये वैक्यूम पंप का देख सकते हैं ये पैकिंग है, ये भी हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ से भी आज लीकेज हो रहा था, तो हम 3-4 आइटम इसका रिप्लेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसका हम नया ऑयल सील बिठा रहे हैं क्रैंक का। अच्छा, ये इसका जूना ऑयल सील है, अभी नया ऑयल सील हम बिठाएंगे। अच्छा, तो फाइनली हमने इसका ऑयल सील भी रिप्लेस कर दिया है, देख सकते हैं आप। ये हमारे अंसारी जी नीचे से साफ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं जहाँ हमारा ऑयल सम जहाँ बैठेगा, जिसे चेंबर करते हैं, देख सकते हैं नीचे का जगह पूरी तरह से साफ कर रहे हैं। इसी प्रकार हम ये जहाँ टाइमिंग कवर का पैकिंग बैठेगा उसे ही पूरी तरह से एकदम साफ करेंगे, देख सकते हैं पूरा सीलेंट लगा हुआ है। आपको फ्रेंड पूरी तरह से हम साफ करके दिखाते हैं, उसके बाद इसका टाइमिंग कवर का पैकिंग चेंज करेंगे। ऑयल क्रैंक ऑयल सील तो हमने रिप्लेस कर ही दिया, आपको दिखा दिया है, अगर टाइमिंग कवर का पैकिंग रिप्लेस करके टाइमिंग कवर बिठा के और उसके बाद आपको फिट करके दिखाएंगे। तो हम इसका टाइमिंग कवर का पैकिंग रिप्लेस करेंगे, उससे पहले ज़रा इस जगह को हम पूरी तरह से साफ़ करेंगे। टाइमिंग कवर का जो पैकिंग जहाँ बैठता है, तो हम आप साफ़ कर रहे हैं, साफ़ करके आपको दिखाते हैं। इसी प्रकार हम नीचे का भी जहाँ हमारा ऑयल सम बैठता है उधर का भी जगह पूरी तरह से साफ़ करेंगे। फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ इसका टाइमिंग कवर पैकिंग बिठाने वाले हैं, इससे वो पूरी तरह से साफ करके ले रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भी उसमें सीमेंट उलेंट या कचरा रहेगा तो आपका ऑयल लीकेज होएगा। फिर इसके लिए हम पूरी तरह से क्लीन कर देंगे कि ताकि हमारा ऑयल लीकेज होने का कोई संभावना ना रहे, दोबारा कोल्ड फिटिंग ना करना पड़े। देख सकते पूरी तरह से हमने पूरा क्लीन कर लिया है, नीचे से भी हम क्लीन कर फ्रेंड, देख सकते हैं हमें टाइमिंग कवर का पैकिंग दिखा दिया है, ठीक है। अब हम टाइमिंग का जो कवर आता है उसे लगाएंगे और लगाकर उसका जितने भी बोल्ट आते हैं उसे फिट करके आपको दिखाएंगे। फ्रेंड देख सकते हैं ये प्लेट भी हमने ओपन किया है, क्योंकि फ्रेंड क्या था, बैठ गया है, देख सकते हैं लेवल में आ गया है, तो यहाँ से भी ऑयल लीकेज हो रहा था, तो हम इसे खोल के साफ करके और इसमें सीलन लगाकर इसे भी फिट करेंगे। देख सकते हमने सीलेंट लगा दिया है,
इसमें हमने रिप्लेस कर दिया है। अब हम टाइमिंग कवर में हल्का हल्का सीलेंट लगाएंगे, क्योंकि हमने इसे पैकिंग रिप्लेस किया है तो ज़्यादा सीलेंट की जरूरत नहीं, एकदम हल्का हल्का नाम के लिए लगाएंगे और फिर इसको फिट करेंगे। फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमने इसमें सीलेंट भी लगा दिया है, एकदम मामूली सीलेंट लगाइएगा फ्रेंड, क्योंकि क्या होता है ज़्यादा सीलेंट लगाएंगे तो इसके अंदर आ जाएगा और ऑयल में जाके ऑयल स्टेनर दोबारा जाके ऑयल अगर स्टेनर ब्लॉक हो गया तो आपका इंजन सीज होने का संभावना है। इसके लिए हल्का हल्का हमने लगाया देख लीजिए लाइटली, ताकि हमारा अंदर ना जाए कोई प्रॉब्लम ना आए। देख सकते हैं फ्रेंड ये हमारा टाइमिंग कवर फिट हो गया है। अब इसके हम बोल्ट लगाना चालू करेंगे, पूरी तरह से एकदम चिपक चुका है, नीचे से भी दिखाइए, नीचे से देख सकते हैं किस प्रकार कोई गैप नहीं है हमारे टाइमिंग कवर में। और इसमें एक बात बताएंगे फ्रेंड आपको हम, ये देखिए एक क्रैंक का पुल्ली है, ये पुल्ली के आगे ये फ्रेम क्या होता है, अगर आप टाइमिंग बिठा दिए कवर लगा दिए इसका टाइमिंग का पूरा रोप बोल्ट टाइट कर दिए तो ये आसानी से इसके अंदर जाता नहीं है, ठीक है फ्रेंड, ये ऐसा आसानी से जाएगा नहीं। देखिए जैसे आसानी से चला गया कितना इजीली वैसा जाएगा नहीं अगर ये सब आप बोल्ट टाइट कर देंगे। तो कभी भी आप क्या कीजिएगा, जब आप ये टाइमिंग कवर बिठाते हैं तो बोल्ट बिना टाइट किए सबसे पहले इसको इसके अंदर डाल के ले लीजिएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देख सकते हैं हमने आराम से बिठा दिया है, अगर आप टाइमिंग कवर बिठा देंगे ये अगर डालेंगे तो आसानी से बैठेगा नहीं, उसके लिए आपको बहुत तकलीफ़ होगा। और देख सकते हैं हमने एक भी बोल्ट लगाया नहीं है, तो सबसे पहले इसको टाइमिंग कवर जैसे आप बिठाते हैं इसको डालकर छोड़ दीजिए इसके अंदर, उसके बाद टाइमिंग कवर का बोल्ट लगा कर पूरा टाइट कर दीजिए, इसका बोल दीजिए। तो फ्रेंड हमारा टाइमिंग कवर भी पूरी तरह से फिट हो चुका है, देख सकते हैं दो बोल्ट बाकी है हमारे अंसारी जो ऊपर से कर रहे हैं, बाकी हमने पूरी नीचे से टाइट कर दिया है। तो फ्रेंड टाइमिंग कवर में टोटल 14 बोल्ट आते हैं, ठीक है, 14 बोल्ट और 3 नट, मतलब टोटल मिला के 17 बोल्ट और नट आते हैं, ठीक है। तो इस आप कभी भी इतना गिनकर हाथ मार लीजिएगा, ठीक है, 14 बोल्ट 3 नट टोटल 17, तो हमने फाइनली 17 पूरा जितने भी बोल्ट आते हैं सारे टाइट कर दिए हैं। दोबारा हम हाथ भी मार रहे हैं, देख सकते हैं हमारे अंसारी जी हाथ मार रहे हैं, तो ये हमारा टाइमिंग कवर भी फाइनल हो चुका है। तो अब हम क्रैंक का पुली लगाएंगे, इसका बोल्ट लगाएंगे और बोल्ट लगाने के बाद इसका हम एक बार टाइमिंग मिलाएंगे, क्योंकि टाइमिंग मिलाकर टाइमिंग पर रखकर तब एक क्रैंक का बोल्ट टाइट करना पड़ेगा फाइनल। फ्रेंड इसमें क्या होता है फ्रेंड, आप अगर ऑयल सील रिप्लेस करने के लिए क्रैंक का बोल्ट लूज करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका टाइमिंग रॉन्ग हो जाता है, तो इसका टाइमिंग फिलहाल अभी रॉन्ग है तो हम इसे सही करके और उसके बाद इसका क्रैंक का बोल्ट टाइट करेंगे। फ्रेंड देख सकते हैं, और एक बात जो हमने आपको बताया था उल्टा थ्रेड आता है, देखिए हम लूज कर रहे तो टाइट हो रहा है और टाइट करेंगे तो लूज होगा, ये बात को केयर करके ध्यान दीजिएगा, कभी भी इसको सीधा मत खोलिएगा नहीं तो आपका बोल्ट टूट जाएगा। आप टाइट करेंगे तो लूज होगा, लूज करेंगे तो टाइट होगा, देख सकते हैं। इसको लाइट बेल्ट टेंशनर दीजिए, हम टेंशनर बिठाने जा रहे हैं। और एक बात आप देख सकते हैं पॉइंट है इतना बड़ा था, इस स्लू ये होल में जाना चाहिए आपका इस प्रकार से, देखिए तो ही आपका टेंशनर परफेक्ट बैठेगा।
तो फाइनल फ्रेंड देख सकते हैं, ये हमारा टाइमिंग कवर पूरी तरह से फिट हो चुका है। ये बेल्ट टेंशनर भी हमने फिट कर दिया है। अब इसका वाटर पम्प हम फिट कर रहे हैं। इसके नट दीजिए। फाइनली फ्रेंड इसमें चार नट आते हैं, देख सकते हैं हमने चारों नट बिठा दिया है। ठीक है, अब इसे फाइनल टाइट कर देते हैं। तो फ्रेंड फाइनल हमारा ये वाटर पम्प भी टाइट हो गया, देख सकते हैं। अब इसका क्रैंक का पुली हम लगाएंगे, क्रैंक का पुली। तो देख सकते हैं आप, अब हम इसका इंजन माउंटिंग लगा रहे हैं। हमने टाइमिंग कवर वर सब लगा दिया है। इसका इंजन माउंटिंग लगा के उसके बाद इसका नीचे से ऑयल्स हम लगाएंगे। जब हमारा इंजन इस पर रुक जाएगा तब नीचे से हमको जगह मिलेगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी उधर ऑयल्स हम के जगह पे अभी जैक लगा के रखा है कि हमारा इंजन नीचे ना गिरे करके। तो हम ये इंजन फाउंडेशन पर अपना गाड़ी इंजन फंसा कर उसके बाद नीचे से ऑयल्स हम लगाएंगे, तो हमारा गाड़ी फाइनल हो जाएगा। तो फाइनली ये हमारा टाइमिंग साइड का जितने भी चीज़ें आते हैं हमने फाइनली पूरी कंप्लीट कर दी है। इसका इंजन माउंटिंग भी हमने टाइट कर दिया, देख सकते हैं इंजन फाउंडेशन भी टाइट हो गया है, टाइमिंग कवर भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब बचा इसका टाइमिंग मिलाना। तो फ्रेंड इसमें एक खासियत है कि आप ये टाइमिंग कवर लगाने के बाद भी इसका टाइमिंग मिला सकते हैं, आप रॉन्ग है या सही है देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हम आपको दिखाते हैं टाइमिंग कवर लगाने के बाद भी आप इसका टाइमिंग कैसे सेट करेंगे। ये देख सकते हैं ये जो कैप है, ये 8 नंबर के एलंकी से इसको कैप को बाहर निकालिए, तो यहाँ से कैम का आपको बोल दिखेगा। 17 नंबर बॉक्स पाने से इसको घुमा के इसका इधर से टाइमिंग पे ले सकते हैं। और इस कैम का टाइमिंग कहाँ था फ्रेंड दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये कैपिट कवर में एक एलंकी है, एलंकी खोलेंगे तो आपको यहाँ से इसका टाइमिंग दिखेगा। इसके अंदर से एक कैम का टाइमिंग है और क्रैंक का टाइमिंग हम आपको दिखाते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमने कैप खोल दिया है यहाँ पे, देखिए ये बोल्ट दिख रहा है। इस बोल्ट में बॉक्स पाने से आप घुमाएंगे तो कैम का टाइमिंग आपका आ जाएगा। जो क्रैंक का ये बोल्ट दिया है, आप इसको लूज कर लेते हैं तो आपका कैम फ्री हो जाता है। तो जब आप इसे घुमाएंगे
तो आपका सिर्फ क्रैंक घूमेगा, कैम नहीं घूमेगा। तो ठीक है फ्रेंड, तो इसके लिए आप इसको गियर में डालकर और नीचे का क्रैंक का पहले टाइमिंग ला दीजिएगा और उसके बाद फिर कैम का टाइमिंग लाइएगा। तो हम सबसे पहले आपको क्रैंक का टाइमिंग दिखाते किधर है, फिर कैम का टाइमिंग दिखाते। देखते फ्रेंड, ये इसका क्रैंक का टाइमिंग है, देख देख सकते हैं। गियर के हाउसिंग में यहाँ से होल दिया है, इसमें आप हमने वाल डाला है, देखिए वाल से लॉक किया है। ये देखिए, ये इसका होल है, इसमें आपका वाल जाकर लॉक होना चाहिए। देखिए ये तो ये हो गया हमारा क्रैंक का टाइमिंग। अब हम आपको कैम का टाइमिंग दिखाते हैं। अंदर ही घुमाइए, देख सकते एक कैम घुमा रहे हैं, इसमें 18 का बॉक्स बना लगता है। नीचे करेंगे यहाँ पे, पड़ा है धीरे 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 धीरे, बस और थोड़ा नीचे लीजिए हल्का, और देख सकते फ्रेंड यहाँ हमारा बता रहा है, बस देख सकते हैं कैम का कट है, ये कट हमारे एकदम प्रॉपर आ चुका है। ये हमारा कैम का टाइमिंग है और क्रैंक का हमने आपको नीचे दिखाया था, जिधर वाल लॉक किया था हमने गियर में, इसका गियर का जो राउंडिंग आता है उसे होल आता है, उसमें वाल डालकर आप क्रैंक के फ्लाईव्हील में जो गियर का फ्लाईव्हील आता है उसमें लॉक कर सकते हैं। और ये कैम का टाइमिंग है फ्रेंड, तब ये हमारा दोनों टाइमिंग आ चुका है। अब इस पोजीशन पे हम इसे लॉक करके और इसका क्रैंक का जो बोल्ट आता है उसे फाइनल टाइट करेंगे। फाइनल दे सकते हैं, एक क्रैंक का बोल्ट हम टाइट कर रहे हैं, ये हमारा क्रैंक का बोल्ट टाइट कर रहे हैं सारी जी, ठीक है। तो एक क्रैंक का बोल्ट हमारा फाइनल टाइट हो चुका है, चलिए पाना निकाल लीजिए पूरा। तो अब हमने जो कैप ओपन किया था इस कैप को लगा देंगे, थोड़ा सीलेंट दीजिए। तो देख सकते हैं आप लोग, हमारा इसका जितना इंजन का था, राइट साइड का जो भी हमने टाइमिंग कवर खोला था, क्रैंक का पुल्ली वुल्ली ओपन किया था, वो सारी चीज़ें हमने फिट कर दी है। अब इसका फाइनली ऑयल सम लगाने जा रहे हैं, तो इसका ऑयल चेंबर लगा के और उसके बाद इसमें हम ऑयल ऑयल डाल के उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके चेक करेंगे। सारी जी तो फाइनली फ्रेंड ये हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है, टाइमिंग और वह सब हमने लगा दिया है, ये अल्टरनेटर बेल्ट चढ़ाना बाकी है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका अल्टरनेटर बेल्ट किस तरह चढ़ाया जाता है, ठीक है फ्रेंड। सबसे पहले तो इस पर जितने सारे पुल्ली आते हैं सब पे आप चढ़ा लीजिए, देख सकते हैं ये पाउच, ये वाटर पम्प पर हमने चढ़ा लिया है, एसी कंप्रेसर पर चढ़ा लिया है, ये अल्टरनेटर पर हमने चढ़ा दिया है। तो ये अल्टरनेटर के बीच से आपको ऊपर की तरफ ऐसा लेना है टेंशनर पर, देख सकते हैं ऐसे, ये टेंशनर की तरफ आपको 20 से लेना है और उसके बाद 14 के रिंग पाने से ये देख सकते हैं, और नीचे की तरफ लेकर ये हमारा 14-15 का रिंग पाना है, 15 का पाना इसमें बैठता है फ्रेंड। तो इसको आपको ऊपर की तरफ ढकेलना है टेंशनर को इस तरह से, और उसके बाद से आपको इस पे बेल्ट इस तरह आसानी से ये देख सकते हैं चढ़ा देना है। तो आपको पहले सारे जितने भी पुल्ली है सब पे आप बेल्ट चढ़ा लीजिए, फिर एक क्रैंक और ये जो अल्टरनेटर के बीच का हिस्सा है यहाँ से बेल्ट आपको ऊपर लेना है टेंशनर की तरफ और इस तरह चढ़ा देना है, ठीक है। तो ये भी हमारा बेल्ट का भी जो काम था फाइनल हो चुका है। अब बचा है क्रैंक का 4 पुल्ली का बोल्ट, इसे हम फाइनल टाइट करेंगे।
तो ये हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। चैम्बर आप देख सकते हैं, चैम्बर हमने ऑलरेडी लगा दिया है। तो हमारा टाइमिंग कवर के साइड का जो भी था सारी चीज़ हमने कंप्लीट कर दिया है, देख सकते हैं जितने हमने ओपन किए थे। इसका हमने क्रैंक का ऑयल सीट रिप्लेस किया है और टाइमिंग कवर का पैकिंग रिप्लेस किया है, किसकी क्योंकि इसका ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था। और ऑयल सम का हमने सीलेंट साफ़ करके अच्छे से नया सीलेंट लगाया है, कि यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा लीक हो रहा था। अब हम इसमें अब इस गाड़ी में हम ऑयल डालेंगे। ऑयल डालकर रैम पहले रैम पे लेंगे, पूरी तरह से इसको वॉश करेंगे इंजन को ऊपर नीचे से, और उसके बाद गाड़ी को रैम पे लेकर स्टार्ट करके फिर चेक करेंगे कि इसका ये ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम था वो हमारा सॉल्व हुआ है कि नहीं। आपको ऊपर से भी हम दिखाते हैं, हमारा सारी चीज़ फाइनल हो चुकी है। देख सकते हैं इसका कूलेंट का डब्बा हमने लगा दिया है, ये हेडलाइट मडगार्ड वडगार्ड जो भी था, ये हमारा फ्रेंड ये मडगार्ड हमने पेंट किया है, देख सकते हैं इस पीस को, इसके लिए हमने मडगार्ड ओपन किया था। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो हमारी एस क्रॉस गाड़ी थी, इसका हमने सारे चीज़ें जो भी ओपन किए थे सारे चीज़ें फिट कर दिए हैं। अब हमारा स्टार्ट होने के पोजीशन में है, सिर्फ इसमें इंजन ऑयल डालना बाकी है। तो हम इसमें इंजन ऑयल डाल के और उसका सेल्फ मार के आपको स्टार्ट करके दिखाएंगे। फ्रेंड हम इसमें जुनाई ऑयल डाल रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 1000 किलोमीटर पहले हमने इसका कंप्लीट सर्विस किया था, इसके लिए इंजन ऑयल अच्छा है, इसके लिए हम जुनाई ही इसमें रिप्लेस कर रहे हैं, फिर से डाल रहे हैं, क्योंकि इसका सिर्फ ऑयल लीकेज का प्रॉब्लम था, तो इसके लिए हम ऑयल रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग ये जो मडगार्ड है फ्रंट राइट साइड का, ये हमने पेंटिंग किया है। पेंटिंग करने के लिए हमने मडगार्ड ओपन किया था, तो हमने पेंटिंग करके इसे फाइनल फिट कर दिया। आप देख सकते हैं सिर्फ इसका जो कवर आता है वो कवर हम लगा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये हमारा ग्लव मडगार्ड का जो हमने कवर निकाला था उसे प्रॉपर तरह से एकदम फिनिशिंग से देख सकते हैं फिट कर दिया हमने, कहीं भी किसी प्रकार कोई गैप नहीं है। ये भी हमारा काम फाइनल हो गया है, ये मडगार्ड का फेंडर लाइनिंग का देख सकते हैं, ये पीस हमने पेंट किया है। ठीक है, तो अब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे फाइनली। तो फाइनली अब हम गाड़ी को चालू करने जा रहे हैं, देख सकते हैं। अंसारी जी जी बोलिए, कांच नीचे कीजिए विंडो को। ठीक है, ये गाड़ी हमारी एसी बंद कीजिए, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो चुकी है, आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस गाड़ी को रैम पे लेंगे और रैम पे हमारा जो बॉडी वॉश का मशीन है उससे पूरे इंजन को वॉश करेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे पूरा ऑयल का जो गिल्ला है उसे पूरा वॉश करके, जैसे कि यहाँ पे काला काला दिख रहा है जो भी, उसे पूरी तरह से डीजल मार के वॉश करेंगे ऊपर नीचे से। और वॉश करने के बाद फिर उसका फाइनल हम चेक करेंगे गाड़ी स्टार्ट करके, आधा घंटा एक घंटा गाड़ी हम स्टार्ट रखेंगे, नहीं तो रनिंग करके फिर एक बार रैम पे लेके चेक करेंगे। चलिए गाड़ी बाहर लीजिए, रैम पे लीजिए, चलिए डालिए। तो फाइनली आप जो देख सकते हैं ये हम गाड़ी रैम पे ले रहे हैं, इसे रैम पर लगाकर उठाकर पहले ऊपर नीचे से फुल एकदम वॉश करेंगे, डीजल वॉश पानी वॉश, और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करके हम चेक करेंगे।
अंसारी जी रैम लगाइए इसका। ये हमारे अंसारी जी रैम लगाएंगे और उठाएंगे गाड़ी को। ये हमारा पीछे लग चुका है, अब आगे के साइड लगाएंगे। इसका बोनट ओपन कर लीजिए, सबसे पहले ऊपर से वॉश कीजिए फिर नीचे से वॉश कीजिएगा। एयर फिल्टर को बाहर निकाल लीजिए और ये हॉस एयर फिल्टर का जो एयर क्लीनर का होस है उसके अंदर कपड़ा डालकर फिर वॉश करने का है। बाहर निकालिए, सॉकेट को भी बाहर निकाल लीजिए। एक मिनट जरा, वो बैटरी एक बैटरी वायर खोल लीजिए तो माइनस का। फ्रेंड कभी भी कोई भी आप सॉकेट अगर ओपन करते हैं तो उससे पहले कोई भी एक बैटरी का वायर खोल लीजिएगा, चाहे माइनस का चाहे प्लस का। तो क्या होता है फ्रेंड, कभी कभी अगर कोई आप सॉकेट ओपन कर देते हैं तो इसमें क्या चेक लाइट आ जाता है, तो फिर आपको स्कैनिंग का खर्चा बढ़ जाएगा। तो इसके लिए कभी भी बैटरी वायर एक कोई भी ओपन कर दीजिएगा। तो हमें जैसे एयर क्लीनर इसका बाहर निकालना है तो हम इसका सॉकेट निकालने वाले हैं, तो इसके लिए इसका एक बैटरी वायर हम ओपन कर देंगे ताकि हमारा ये कंप्लेन ना हो चेक लाइट वाइट का। देख सकते हैं हमने बैटरी का वायर ओपन कर दिया है। एयर फिल्टर को बाहर निकालिए। वो प्लास्टिक लाइए, इसको पैक कीजिए एयर क्लीनर के होस को, प्लास्टिक से इसको पैक कीजिए। ये हमने एयर क्लीनर के होस को पैक कर दिया है ताकि इसके अंदर पानी ना जाए। पानी जाने की वजह से फ्रेंड क्या होता है, हमारे इंजन में प्रॉब्लम आ सकता है, इसका वाल वाल बेंड हो सकता है, इसके लिए हमने एयर क्लीनर के होस को पैक कर दिया है। ठीक है, डीजल थोड़ा डीजल से पूरा ये कर दीजिए, भिगा दीजिए इसको इंजन को।
ज़्यादा करके गेयरबॉक्स के ऊपर मारिए, यहाँ पे ज़्यादा करके ऑयल का प्रॉब्लम है लीकेज का। टाइमिंग के साइड का तो हमने पूरी तरह से क्लीन कर दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम डीजल से इसको पूरा इंजन को भिगो के रखेंगे और थोड़े देर बाद इसको वॉश करेंगे, ठीक है। तो आपको हम बाद में थोड़ा बताते हैं वॉश करने के टाइम पे। तो देख सकते हैं हम लोग नीचे से भी पूरा डीजल का स्प्रे कर रहे हैं इंजन में, ऊपर नीचे से दोनों से डीजल स्प्रे करके फिर आधा घंटा हम छोड़ देंगे इसको, उसका पानी से वॉश करेंगे। क्योंकि फ्रेंड पूरा इंजन ऑयल से भीगा हुआ है, उसके लिए पूरा इंजन हमें वॉश करना पड़ेगा। उसके लिए ऊपर नीचे से दोनों से हम डीजल का स्प्रे कर रहे हैं, देख सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड पूरे 2 लीटर डीजल इसमें गए हैं स्प्रे में हमारे वॉश करने के लिए इनका इंजन का। तो ये हमने पूरा डीजल से पूरे इंजन को भिगो दिया है, देख सकते हैं आप। तो फ्रेंड हमने 1 घंटा इसका डीजल को भिगो कर पूरे इंजन को रखा था और फाइनली हम इसे वॉश करने जा रहे हैं, देख सकते हैं। अब पानी के प्रेशर से डीजल को पूरा इंजन को पूरा वॉश करेंगे, क्योंकि पूरा इंजन हमारा ऑयल से भीगा हुआ था। तो हमने 1-2 लीटर डीजल से पूरा इंजन को भिगो के छोड़ा था 1 घंटा। अभी तो पानी के प्रेशर से पूरा क्लीन करेंगे। अभी हम ऊपर से क्लीन कर रहे हैं, इसके बाद से गाड़ी हाइड करके नीचे से क्लीन करेंगे। अब थोड़ा नीचे से वॉश कर लीजिए। गाड़ी को हाइड कीजिए। ये हमारी गाड़ी हाइड हो चुकी है, अब नीचे से वॉश करेंगे। तो इसी तरह फ्रेंड हम पूरी तरह से इंजन को ऊपर नीचे से पूरी तरह से वॉश कर लेंगे। वॉश करने के बाद पूरी तरह से हवा मार कर क्लीन करने के बाद और उसे गाड़ी को स्टार्ट करके 1 घंटा हम चालू रखेंगे और उसके बाद अपना ऑयल लीकेज टेस्ट करेंगे कि हमारा जो ऑयल लीकेज का कस्टमर का कंप्लेंट था वो पूरी तरह से सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो हम अभी इसे पूरी तरह से वॉश कर लेते हैं, तो उसके बाद हवा मार कर क्लीन करके फिर आपको दिखाते हैं। आप लोग हमने डीजल और पानी से पूरा गाड़ी को वॉश कर दिया है, ये इंजन को अब हवा मार कर क्लीन कर रहे हैं। तो हमारा फाइनली हवा भी जो काम है वो भी कंप्लीट हो रहा है।
तो इसे हवा मार के पूरी तरह से क्लीन करेंगे, जिसका सेंसर वेंसर में पानी गिरेगा उसको हवा मार के पूरा क्लीन करेंगे। और उसके बाद हम गाड़ी को स्टार्ट करके आधा घंटा रखेंगे और उसके बाद हम उसका लिक्विड चेक करेंगे। लिक्विड तो फ्रेंड ऐसा होएगा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, लिक्विड चेक करना हमारा जरूरी है ताकि आगे चल के कस्टमरों को रस्ते में किसी तरह की कंप्लेन ना हो, क्योंकि जो लीकेज का प्रॉब्लम था वो तो हमने उसे सॉल्व कर दिया है। तो हमारा हवा का जो काम था वो भी कम्प्लीट हो चुका है, तो पूरी तरह हवा मार दिया है। हमारा इंजन पूरी तरह से वॉश हो चुका है, वो फ्रेंड हमने पानी मारा था, इसके लिए जितने भी सेंसर आते हैं वो सेंसर में पानी चला जाता है तो उससे प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए हम हवा मार के पूरे सेंसर को क्लीन कर रहे हैं। पूरी तरह से इंजन एकदम नया चकाचक हो चुका है, हमने इसको डीजल और पानी से वॉश किया पूरा। तो अब इस गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे और स्टार्ट करके आधा एक घंटा चालू रखेंगे और उसके बाद एक बार लीकेज टेस्ट करेंगे। ठीक है, इसका एयर फिल्टर लगा के कंप्लीट कर दीजिए, फिर इसको गाड़ी को ट्रायल पे लेके चलते हैं। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं, ये हमारी जो मारुति कंपनी की एस्क्रूस गाड़ी थी, ये देख सकते हैं, ये एस क्रॉस गाड़ी है हमारी मारुति कंपनी की। ये हमने अभी एक घंटा रनिंग करके आए हैं, इसको हमने रैंप पे लिया है, रैंप पे लेके और फिर से आपको दिखाते हैं कि इसका ऑयल लीकेज का जो प्रॉब्लम था सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। ये देख सकते हैं, हम आपको नीचे सब दिखाते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड, ये हमारा नीचे का हिस्सा है, ये देख सकते हैं पूरी तरह से एकदम सूखा हुआ है। ये चैम्बर का हिस्सा है, देख सकते हैं हमने इसमें सीलेंट लगाया है, पूरा सीलेंट लगा के प्रॉपर तरीके से पूरा पैक किया है इसको, क्योंकि यहाँ से ऑयल सम से भी हमारा ऑयल लीकेज हो रहा था पूरा, और हमने आपको वीडियो में दिखाया था। ये देख सकते हैं स्टार्टर के उधर पूरा ऑयल भरा हुआ था पहले, हमने इसको डीजल वीजल से पूरा वॉश किया डीजल पानी से, उसके बाद इसका टेस्ट ड्राइव लिया है, टेस्ट ड्राइव लाकर फिर से हमने इसके रैम पे लेकर और अभी चेक कर रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा कंप्रेसर भी पूरा ऑयल से भीग गया था। तो ये गाड़ी हमारी फाइनली हो चुकी है, अब इसे हम बॉडी वॉश करके और कस्टमर को डिलीवरी दे देंगे। नीचे कीजिए अंसारी जी, नीचे कीजिए। देख सकते हैं ऊपर से भी हमारा पानी एकदम चकाचक हो चुका है, अब किसी प्रकार कोई भी लीकेज नहीं है। देख सकते हैं हमारा टाइमिंग कवर भी पूरी तरह से सूखा है, देख सकते हैं टाइमिंग की साइड भी, चारों बाजू आपको हम दिखाते हैं। देखिए देख सकते हैं गियरबॉक्स से ऊपर भी, फ्रेंड ये वैक्यूम पंप से भी हमारा ऑयल लीकेज था, तो इसका अभी हमने पैकिंग रिप्लेस किया है, देख सकते हैं ये भी पूरी तरह से सूखा है। तो ये हमारा गाड़ी पूरी तरह से फाइनल हो चुका है, तो ये मारुति कंपनी की गाड़ी है एस क्रॉस। अगर आपको इस एस क्रॉस का वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहिए, हमें आपका आशीर्वाद बनाए रखिए कि ताकि आगे से चलकर हम आपको इस पर अच्छा से अच्छा वीडियो आपके सामने पेश कर सकें। और फ्रेंड कुछ भी आपको हमसे पूछना हो
तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट कीजिए, हम आपको उसका जो भी आप जवाब भेजेंगे उसका हम तुरंत आपको रिप्लाई करेंगे।